हाय गाइस, वेलकम बैक। तो 2022 शुरू हो गया है और साल का पहला महीना है और इस महीने के अंदर काफी सारे न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है। वैसे नवंबर और दिसंबर महीने में कुछ खास स्मार्टफोन लॉन्चेस देखने को नहीं मिली। रेडमी नोट 11 सीरीज और रियलमी 9 सीरीज, ये दोनों ही सीरीज हमें 2021 के अंदर ही देखने को मिल जाना चाहिए था। सो जो भी स्मार्टफोन लॉन्च होना बाकी रह गया था लास्ट ईयर, वो सारे स्मार्टफोन हमें इस महीने के अंदर लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। लगभग हम 10 से भी ज्यादा स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से ज्यादातर स्मार्टफोन हमें जनवरी के महीने में ही लॉन्च होते हुए दिखने वाली है और कुछ स्मार्टफोन हमें फरवरी के महीने में लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। काफी सारे धमाकेदार लॉन्चेस होने वाली है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहले हम कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं जिनके कंफर्म लॉन्च डेट बाहर आ चुकी है, या फिर ये भी कह सकते हैं जिनके लैंडिंग पेज ऑलरेडी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आ चुकी है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला लॉन्च हमें वीवो के तरफ से देखने को मिलने वाला है, वीवो V23 सीरीज। वीवो V23 सीरीज में दो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है, पहला होगा वीवो V23 और दूसरा होगा वीवो V23 प्रो। ऑफकोर्स दोनों में ही आपको 5G का सपोर्ट मिलने वाला है। Vivo V23 एकलौता ऐसा फोन होगा, या फिर ये कह सकते हैं इंडिया का पहला ऐसा फोन होने वाला है जो कि कलर चेंजिंग स्मार्टफोन होने वाला है। मतलब सनलाइट की रोशनी जैसी पड़ेगी इस फोन के ऊपर तो अपने आप ही कलर चेंज हो जाएगा, जो कि काफी कमाल की बात होने वाली है। और ये स्लिमेस्ट फोन होने वाला है, साथ में 3D कर्व डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाली है। इंडिया का पहला ऐसा फोन होने वाला है जिसमें हमें 50 मेगापिक्सल का ड्यूल सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो इस फोन में हमें काफी सारे ऐसे फीचर देखने को मिलने वाले हैं जो कि वर्ल्ड फर्स्ट होगा या फिर इंडिया फर्स्ट होने वाला है। Vivo V23 Pro में आपको Dimensity 1200 का 5G चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जबकि Vivo V23 में रेगुलर वर्जन में Dimensity 920 का 5G चिपसेट देखने को मिलने वाला है। दोनों ही प्रोसेसर 6nm पर बना हुआ है। 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है एंड उसी को चार्ज करने के लिए 44 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये कुछ हाइलाइटेड फीचर्स हमें Vivo V23 सीरीज में देखने को मिलने वाली है। प्राइसिंग की बात करें तो 30,000 से लेकर 45,000 के बीच में देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट कन्फर्म्ड स्मार्टफोन लॉन्च की बात करें तो ये लॉन्च होने वाली है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi 11i हाइपर चार्ज। और Xiaomi 11i इंडिया का फास्टेस्ट चार्जिंग स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें हमें 120 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि इस फोन के बैटरी को 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देने वाली है। बाकी फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो कि 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। Dimensity 920 का 5G चिपसेट देखने को मिलने वाला है जो कि 6nm पर बना हुआ है। 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा भी होगा। 4500 mAh की बैटरी होगी और इस बार हमें JBL की ट्यूनिंग देखने को मिलने वाली है। प्राइसिंग की बात करें तो 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में होने वाली है। Xiaomi की तरफ से प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है ये। फ्लिपकार्ट पर टीजर पेज भी आ गया है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन लॉन्चेस की जो कि इस महीने के अंदर लॉन्च होने वाली है, एक्सपेक्टेड है। तो जनवरी के महीने में टेक्नो की तरफ से पहला 5G फोन हमें देखने को मिलने वाला है। टेक्नो की तरफ से पोवा सीरीज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज है इंडिया के अंदर, स्पेशली बड़ी बैटरी और परफॉर्मेंस के नाम से जानी जाती है। हाल फिलहाल में हमने टेक्नो पोवा 2 देखा था जिसमें हमें 7000 mAh की बैटरी देखने को मिली थी। खैर टेक्नो पोवा 5G भी काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर के साथ आने वाला है, जैसे कि फुल HD प्लस 120 हर्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो कि IPS पैनल के साथ आएगा। Dimensity 900 का 5G चिपसेट देखने को मिलने वाला है जो कि 6nm पर बना हुआ है। LPDDR5 टाइप का RAM देखने को मिलने वाला है, मतलब आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलने वाली है। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा होगा और 6000 mAh की बड़ी से बैटरी होगी एंड उसी को चार्ज करने के लिए 18 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी होगा। तो परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी मिलने वाली है, बैटरी बैकअप आपको काफी ज्यादा लंबी मिलेगी। बाकी प्राइस की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार इस फोन का प्राइस 15,000 से लेकर 18,000 के बीच में होने वाली है। और अगर ये फोन इस प्राइस रेंज पर आ जाता है तो सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होने वाला है ये। एक्सपेक्टेड लॉन्च की बात करें तो जनवरी एंड तक ये फोन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्मार्टफोन लॉन्च की बात करें तो ये लॉन्च हमें IQ की तरफ से देखने को मिलने वाली है, IQ 9 सीरीज। अब IQ 9 सीरीज भी ऑलरेडी चाइनीज वेबसाइट पे लिस्ट हो चुकी है एंड बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर भी लॉन्च होने वाली है। कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें हमें 2K सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो कि 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। LPTO टेक्नोलॉजी के साथ 4700 mAh की बैटरी होगी एंड उसी को चार्ज करने के लिए 120 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट होगा।
तो शायद इंडिया का दूसरा ऐसा फ़ोन होगा जिसमें हमें 120 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलने वाला है। स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 का चिपसेट होने वाला है जो कि 4nm पर बना हुआ है और इस समय का सबसे ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा होगा। तो ये कुछ हाईलाइटेड फीचर्स आपको IQ9 सीरीज में देखने को मिलने वाली है। प्राइसिंग 40,000 से शुरू होने वाली है, 40,000 से 45,000 के बीच में, और इस प्राइस रेंज पर अगर ये फ़ोन आ जाता है तो नो डाउट तबाही मचा सकती है। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो ये फ़ोन हमें जनवरी के एंड तक लॉन्च होते हुए दिखने वाली है, या फिर ये भी हो सकता है वैलेंटाइन वीक के अंदर ये फ़ोन इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाए। चलिए बात करते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन लॉन्चेस की जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, Realme 9 सीरीज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, Realme 9 सीरीज लास्ट ईयर ही लॉन्च हो जाना चाहिए था, चिप शॉर्टेज की वजह से लॉन्च नहीं हो पाई थी। और वैसे भी Realme के CEO माधव सेठ ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था कि जनवरी के महीने में Realme 9 सीरीज के कुछ स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है। सो Realme 9 सीरीज में काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है, Realme 9i, Realme 9, Realme 9 Pro और Realme 9 Pro Plus। सो 4-5 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है जिसमें से एक या दो स्मार्टफोन हमें इसी महीने के अंदर लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। शायद Realme 9i और Realme 9 ये दोनों स्मार्टफोन इस महीने के अंदर लॉन्च होने वाली है इंडिया के अंदर। Realme 9i के बारे में तो हमने कंप्लीट और डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, लास्ट वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हो। खैर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो Realme 9 सीरीज में आपको Snapdragon 778G का 5G चिपसेट देखने को मिलने वाला है, या फिर Dimensity 920 का 5G चिपसेट देखने को मिलने वाला है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले होगी जो कि सुपर एमोलेड पैनल के साथ आएगा। 4500 mAh की बैटरी होगी। NFC को चार्ज करने के लिए 65 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी होगा। बाकी प्राइस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया Realme 9 सीरीज में मल्टीपल स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है, तो प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। मान के चलो 14-15,000 से शुरू होगी और लास्ट 25,000 तक जाने वाली है। Realme की तरफ से एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी लॉन्च होने वाली है और इस फोन का नाम है Realme GT Neo 2 Pro। कुछ दिनों पहले ही Realme GT Neo 2 लॉन्च हुई थी इंडिया के अंदर, सो इसी का सक्सेसर होगा GT Neo 2 Pro। ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें 2K डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो कि सुपर एमोलेड पैनल के साथ आएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 का चिपसेट होगा जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट चिपसेट है इस समय पर। 50+50+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा होने वाला है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। 5000 mAh की बैटरी होगी। NFC को चार्ज करने के लिए 65 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी होगा। तो ये कुछ फीचर्स हमें Realme GT Neo 2 Pro में देखने को मिलने वाली है। प्राइसिंग 40,000 से लेकर 45,000 के बीच में होने वाली है और ये सभी फीचर्स के साथ अगर ये फ़ोन आता है इस प्राइस रेंज पर तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये फ़ोन हमें फरवरी के फर्स्ट वीक तक लॉन्च होते हुए दिख सकती है। चलिए बात करते हैं मोटो के बारे में। तो मोटो की तरफ से भी दो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है, मोटो G71 और मोटो एज X30। मोटो G71 के बारे में तो हमने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मोटो एज X30 के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर भी हमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 का चिपसेट मिलने वाला है। 144 हर्ज वाली OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। 50+50+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा होगा। 5000 mAh की बैटरी होगी। NFC को चार्ज करने के लिए 33 वॉट का चार्जर भी होगा। ये भी मोटो की तरफ से एक फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन होगा। प्राइसिंग 37,000 से लेकर 42,000 के बीच में होने वाली है और ये स्मार्टफोन ऑलरेडी चाइना के अंदर लॉन्च हो चुकी है। मेरे ख्याल से ये फोन भी जनवरी के एंड तक लॉन्च होते हुए दिख सकती है। सैमसंग के बारे में बात करें तो सैमसंग की तरफ से भी कुछ स्मार्टफोन हमें लॉन्च होते हुए दिख सकती है। पहला होगा सैमसंग गैलेक्सी A73 5G। सैमसंग अपने मिड रेंज स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा देने वाला है। साथ में 5000 mAh की बैटरी होगी। स्नैपड्रैगन 778G का 5G चिपसेट होगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले होगी जो कि सुपर एमोलेड पैनल के साथ आएगा। प्राइसिंग 32,000 के आसपास होने वाली है और ये फोन हमें फरवरी के फर्स्ट वीक तक इंडिया के अंदर लॉन्च होते हुए दिख सकती है। वैसे सैमसंग के और भी कई सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है जो कि फरवरी के महीने में होगी। OnePlus के भी कुछ नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं और ये होगा OnePlus 10 सीरीज। OnePlus की तरफ से ये एक फ्लैगशिप सीरीज होता है, तो OnePlus 10 Pro में भी हमें काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इस फोन के अंदर भी हमें Snapdragon 8 Gen 1 का चिपसेट मिलने वाला है और 2022 के अंदर मोस्ट ऑफ द फ्लैगशिप स्मार्टफोन में यही चिपसेट आपको मिलने वाला है। बाकी 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा होगा। 5000 mAh की बैटरी होगी और इस बार हमें OnePlus 80 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देने वाला है। 2K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। सो ये कुछ हाईलाइटेड फीचर्स हमें OnePlus 10 Pro में देखने को मिलने वाली है। प्राइसिंग की बात करें तो 65,000 से लेकर 70,000 के बीच में होने वाली है। ये फोन भी जनवरी के लास्ट वीक तक इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। OnePlus के पेरेंट कंपनी Oppo के भी कुछ नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है जो कि है Oppo Reno 7 सीरीज। Reno 7 सीरीज भी चाइना के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है।
और बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर भी लॉन्च होने वाली है। देखा जाए तो रेनो 6 सीरीज में जो फीचर्स हमें देखने को मिले थे, कुछ वैसे ही फीचर हमें रेनो 7 सीरीज में भी देखने को मिल रहे हैं। रेनो 7 में आपको स्नैपड्रैगन 778G का 5G चिपसेट मिलने वाला है, जबकि रेनो 7 प्रो में डायमेंसिटी 1200 का 5G चिपसेट होगा। 4500 mAh की बैटरी होगी दोनों में ही और 65 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट होगा। रेनो 7 में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल ईयर कैमरा होगा, जबकि रेनो 7 प्रो में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल ईयर कैमरा होगा। सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। प्राइसिंग 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में होने वाली है और ये फोन भी हमें जनवरी के 3rd वीक तक लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। Xiaomi की तरफ से 12 सीरीज भी इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है और ये सीरीज भी ऑलरेडी चाइना के अंदर कुछ ही दिनों पहले ही लॉन्च हुई है। Xiaomi की तरफ से अल्ट्रा प्रीमियम स्मार्टफोन होगा ये। कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको 2K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का चिपसेट होगा, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल ईयर कैमरा होगा जो कि सोनी का सेंसर होगा, 4600 mAh की बैटरी होगी, NFC को चार्ज करने के लिए 120 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी होगा, 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी होगा। ये कुछ फीचर्स हमें Xiaomi 12 सीरीज में देखने को मिलने वाली है। 3 स्मार्टफोन लॉन्च होगा, Xiaomi 12 और Xiaomi 12X और Xiaomi 12 Pro। ये फोन भी इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है, हो सकता है फरवरी के 1st वीक तक लॉन्च हो जाए। Xiaomi 12 Pro का प्राइस 70,000 के आसपास होने वाला है। लेट्स सी एग्जैक्टली क्या कुछ होता है, देखते हैं। सो गाइस, यही कुछ स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए दिख सकती है आपको जनवरी और फरवरी के महीने में। बाकी आप हमें बताइए कि आप इन सभी में से किस स्मार्टफोन के लिए वेट कर रहे हो। सो बस, अगर वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो। बाकी आपको कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।